हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस सो गाइस ये हमारा पार्ट इलेवन है एच पी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ जून 2023 टेट का बट इससे पहले बहुत सारे वीडियोस आ चुकी हैं अबाउट सेवेंटी प्लस वीडियोस हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का वहाँ से आप उन सब वीडियोस को देख सकते हो ये सब वीडियोस आपकी एच पी टेट को क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगी तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी सेक्शन के ट्वेंटी क्वेश्चन एंड एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कमेंट करके बताना होता है कि आपके ट्वेंटी में से कितने क्वेश्चन सही हुए ओके okay? शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ जो है ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय रोबर्ट कोच कार्ल लैंडस्टेनर लुइस पाशर विलियम हार्वे सो ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय राइट आंसर इज ऑप्शन बी साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हो अपने आंसर्स नेक्स्ट वन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट फ्लावर्स इन इनफ्लोरेसेंस वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लेमिना फ्लोरल ऑर्गन्स और ऑल ऑफ दीज सो विनेशन क्या है जो वेन्स होती हैं लेमिना में उसको बोलते हैं हम विनेशन जैसे दो तरह की विनेशन होती है एक होती है आपकी पैलल विनेशन दूसरी होती है रेटिक्यूलेट विनेशन ओके सो जो पैलल विनेशन होगी वो किन प्लांट्स में होगी जो मोनोकोट होंगे या फिर डाइकोट होंगे सो पैल विनेशन होगी मोनोकोट्स में आप किसी भी प्लांट की लीव्स को देख के बता सकते हो कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है कैसे उसकी लीव्स से अगर उसकी लीव्स में पैलल विनेशन होगी तो वो होगा मोनोकोट और अगर रेटिकुलेट विनेशन होगी तो वो क्या होगा तो वो होगा डायकोट ओके okay? सो so, किस तरह की लीव्स होती हैं वो भी देखेंगे हम जो पैलल विनेशन होती हैं उसकी इस तरह से वेन्स होती हैं ओके okay? पैलली अरेंज्ड होती हैं ये जबकि रेटिकुलेट वेशन विनेशन में जो लीव्स में वेन्स की अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस तरह की होती है ओके सो दिस इज़ रेटिकुलेट एंड दिस इज़ पैल विनेशन ओके okay. और पहले लिमिनेशन किस में होगी मोनोकॉर्ड्स में रेटिकुलेट होगी आपकी डाइकॉर्ड्स में सो ऑप्शन टू इज द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल्स ऑफ द टेस्टीज सिक्रीट द हॉर्मोन एस्ट्रोजन वेसुप्रेसन टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन सो इंडस्टेशल सेल्स सिक्रीट करती हैं हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन जो एक मेल सेक्स हॉर्मोन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द आर्ट्रल ब्लड प्रेशर इज क्या बोलेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को लैक्टोमीटर बैरोमीटर स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर हीमोसाइटोमीटर सो ब्लड प्रेशर को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसको बोलेंगे स्फिगमो मैनोमीटर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन

जिसमें क्या होगा कोई भी इंडिविजुअल है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो देख पाएगा बट दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा उसको क्या कहेंगे हम मियोपिया मायोपिया भी बोल सकते हैं आप या फिर उसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं ठीक है जिसमें आप नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको देख पाएंगे पर दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे और इसमें कौन से लेंस का यूज़ होता है इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए ये होता है हमारा कनकेव लेंस ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कनकेव लेंस ओके और इसका जो बिल्कुल वाइस वर्सा होगा जो अपोजिट होगा वो होता है हाइपरमेट्रोपिया जिसमें आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे बट दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे और उसमें कन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है ओके okay, ताकि इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन फंक्शन ऑफ इज जो विलाए होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या है डाइजेशन ऑब्जॉर्बशन एसिम्यशन या फिर मेस्टिकेशन सो विलायज़ का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्व करना नेक्स्ट वन वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो किन में प्रेजेंट होता है स्पाइडर में काइटॉन में स्टारफिश या फिर सेंटीपीड सो जो हमारा फाइलम है कौन सा फाइलम इकाइनोडमिटा उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम उनमें प्रेजेंट होता है और इनमें से काइनोडा का मेंबर है स्टारफिश जिसका साइंटिफिक नेम है एस्ट्रियास ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोलम्बा लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ किसका नाम है कोलम्बा लिविया साइंटिफिक नेम बहुत बार साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं आपसे स्नेक पैरट पिजन या फिर स्पैरो सो कोलम्बा लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पिजन ओके और पैरट का साइंटिफिक नेम क्या है पैरट का साइंटिफिक नेम है सिटाक्यूला करामेरी ओके okay. जो रेड रिंग पैरट्स होते हैं उनका नाम है ये नेक्स्ट क्वेश्चन फाइजेलिया the Portuguese man of war belongs to कौन सी क्लास पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो फाइजेलिया है ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है सो फाइजेलिया बिलोंग करता है फाइलम सिलेंट्रेटा को ओके और इसमें कौन सी क्लास हाइड्रोजोआ स्काइफोजोआ एंथोजोआ या फिर एक्टिनोजोआ सो राइट आंसर इज हाइड्रोजोआ ऑप्शन एज राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द एनिमल सेल विच चेंजेस इट्स शेप बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कौन सी सेल है जो अपने शेप को चेंज करती है डब्ल्यू बी सीज आर बी सीज प्लाज्मा या फिर डी प्लेटलेट्स सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए डब्ल्यू बी सीज़ और डब्ल्यू बी सीज़ को क्या कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ओके okay. और आरबीसी को क्या कहते हैं विच ट्री इज द नेचुरल प्यूरिफायर ऑफ वाटर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये शीशम मैंगो यूकिलिप्टिस या फिर बर्नियन ट्री सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यूकिलिप्टिस नेक्स्ट वन मिनी डिजीज इज कोज बाय ये भी रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्रोमियम मर्क्यूरी कैडमियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सो ये डिजीज़ होती है किससे मर्क्यूरी से नेक्स्ट वन टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इन हनी बी सो डिफ़रेंट तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं इंसेक्ट्स के सो so जो हनी बी होती है उसमें किस तरह का माउथ पार्ट होगा सकिंग टाइप लैपिंग टाइप साइफनिंग टाइप या फिर स्पॉन्जिंग टाइप ओके सो जो हनी बीज होती हैं उनका माउथ पार्ट होता है लैपिंग टाइप ऑप्शन बी इज द राइट वन और साइफनिंग टाइप जो माउथ पार्ट होता है वो होता है हमारा बटरफ्लाई का

स्टेम फ्लावर्स लीव्स या फिर रूट्स तो किसके अरेंजमेंट है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स अराउंड स्टेम लीव्स की अरेंजमेंट है फिलोटेक्सी। नेक्स्ट वन हाइड्रोपोनिक्स इज अ टेक्निक ऑफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा गया है हाइड्रोपोनिक्स किस तरह की टेक्निक है ग्रोइंग प्लांट्स इन सॉइल प्लांट्स प्लांट्स को सॉइल में ग्रो करना ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल प्लांट्स को बिना सॉइल के ग्रो करना कंजर्वेशन ऑफ वाटर या फिर ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल सो हाइड्रोपोनिक्स ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लांट्स को बिना सॉइल के ग्रो करते हैं और जो न्यूट्रेंट मीडिया होता है उसमें ही हम हर तरह के न्यूट्रेंट्स को डालते हैं ताकि जो प्लांट है वो उसमें ग्रो कर सके बिना सॉइल के

फ्यूकोजेंथिन एक तरह का पिगमेंट होता है और वो किस तरह के एल्गीज में प्रेजेंट होता है रेड एल्गी 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 ब्राउन ब्राउन ग्रीन नन ऑफ दीज सो सो फ्यूकोजेंथिन पाया जाएगा हमारे एल्गीज में ओके okay. so आज हमने ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस किए बायोलॉजी सेक्शन के और बॉर्डनियॉलॉजी दोनों के क्वेश्चन हमने देखे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप कमेंट करके बताना एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड आगे आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप ये भी कमेंट करना मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाने की बहुत जल्दी कोशिश करूँगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर